पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। घाटाल लोकसभा सीट पर हंगामे की खबर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का आरोप लगा है। घाटाल से बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता मतदाताओं को डरा रहे हैं। बंगाल में छठे चरण के चुनाव से पहले हिंसा का मामला सामने आया। झारग्राम में टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर में दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने करीब 11,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में डीआईजी बंगला क्षेत्र में वोटिंग के दौरान हंगामे का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के भाई पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को हथियार से धमकाने का आरोप लगा है। घटना की सूचना लगते ही भोपाल मेयर आलोक शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छठे दौर के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की 7 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की किस्मत दांव पर है। इनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से है। सुल्तानपुर से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव मैदान में हैं, तो दिल्ली में कांग्रेस के शीला दीक्षित और ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो भोपाल में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का मुकाबला बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। मतदान के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि वोट ही बदलाव लाने के लिए आपकी ताकत है। दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने वोटिंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। जीत को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट? पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लड़ रहे हैं और उम्मीद यही है कि हम जीतेंगे। छठे चरण में दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने वोट डाला। मेरे को जीत की पूरी उम्मीद है और ना केवल मेरी बल्कि कांग्रेस पार्टी, हम लोग 7 सीटें जीतेंगे और जिन मुद्दों के आधार पे हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, सीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने भी दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये चुनाव अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस पार्टी का नहीं, जमुना पार के लोगों का चुनाव बन गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जमुना पार के लोगों को सीलिंग, सफाई, यहाँ और मोड ऑफ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन, ये सबसे तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बाहर निकलिए, ये मत सोचिए कि संडे है, बाहर निकलिए, आपके पास एक बहुत स्ट्रांग पावर है आपकी, जो आप यूज करिए, बिकॉज आप अपने अगले 5 साल का भविष्य चुन रहे हैं आज, तो ऐसा मत करिए। स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स को, अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को, सबको बाहर लेके आइए और जरूर वोट करिए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुग्राम में मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के लिए सबको डालना चाहिए, आगे यहाँ पे वोट डालें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मैं ये अर्ज करूंगा। उत्तर प्रदेश में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में अपना वोट डाला। सभी को कहूंगा, जो भी हो, जल्द से जल्द घर से निकलें और आकर अपना वोट डालें और घर में ना रहें, जरूर निकलें और वोट जरूर दें और राष्ट्र के नाम पर जरूर दें और राष्ट्रवाद को सामने रखें। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मेनका गांधी और महागठबंधन प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह के बीच बहस हुई। मेनका गांधी ने सोनू सिंह पर दबंगई का आरोप लगाया। मेनका गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। हम यहाँ हैं बूथ इंस्पेक्शन के लिए, कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। वो अपनी मां को खुद व्हीलचेयर पर लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मोदी वेव नहीं है बल्कि सुनामी है, भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये देखिए ना, बड़ी ये खाली मतदान का चिन्ह नहीं है, इस चिन्ह में मुझे वेव्स दिख रही है, नए भारत की वेव्स। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने मतदान किया। मतदान से पहले साध्वी प्रज्ञा ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मतदान के बाद साध्वी प्रज्ञा ने लोगों से वोट करने की अपील की। मतदान के लिए निराशा का भाव अथवा उपेक्षित भाव ना रखें, सभी मतदान करें।
मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के बाद सिंधिया ने अपनी जीत का दावा किया और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में जमकर शामिल होने की अपील की। लोकतंत्र के इस महापर्व पर हरियाणा के हिसार में समाजसेवी और गोभक्त नंदकिशोर गोयनका ने भी मतदान किया। उन्होंने इस मौके पर मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व पर सहभागिता का आह्वान किया। तो ज्यादा से ज्यादा वोट, कोई भी वोट बाकी ना रहे, ये प्रजातंत्र का एक चिन्ह है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान के लिए वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है। ग्वालियर में वोटर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। लोग इस बार प्रत्याशी चुनने के दौरान विकास को तरजीह दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दो लोकसभा क्षेत्रों मछली शहर और जौनपुर सदर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इलाके के युवा मतदाताओं का कहना है कि वो देश हित और विकास को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में करीब 2.5 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन से जो डाटा मिला है उसके मुताबिक करीब 2.5 लाख वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18-19 साल तक है। बहुत खुश हूँ कि मैंने जिसके बारे में सोचा था मैंने उनको ही जाके वोट दिया है और मैं वही चाहूंगी कि वही जीते और देश का और विकास हो। उन 2.5 लाख वोटर्स में हो जो पहली बार वोट कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है, मन में क्या आ रहा है? तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी इस वोट को लेकर, क्योंकि मैं चाहती थी हमारे देश का भी विकास हो